एक इंजीनियर भाई ने लगाई वो फैक्ट्री जहाँ पे बातों ही बातों में बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनकर तैयार होते हैं, जिसको दुनिया के किसी कोने में हम ले जा सकते हैं। कमाल की बात तो यह है इनका पानी कभी खराब नहीं होता, जिसको साल से 1.5 साल तक हम यूज कर सकते हैं। आइए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं बेहतरीन से कार्य के बारे में। भैया नमस्कार। जी नमस्कार भैया, अपना छोटा सा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अरुण देव त्यागी है और ये हमारी कंपनी है आरदेव पूल्स। इस कंपनी में हम नए नए तरह के स्विमिंग पूल, स्पा और जकूजीज और उसकी मशीनें बनाते हैं। रॉ मटेरियल आप क्या यूज करते हैं इसको बनाने के लिए? देखिए, इसमें हम 3-4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है ढांचा। तो इस ढांचे को तैयार किया जाता है, इसको अंदर से फिटिंग किया जाता है, ऊपर से इसको फिनिश किया जाता है। ये पूरी तरह से आपका ढांचा तैयार है। अभी इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के लेयर्स लगाते हैं। जैसे अंदर में डिजाइन लेयर लगा दिया, तो ये फाइबर वूल कहलाती है जी। इसके ऊपर में लेयरिंग होती चली जाती है। अगर इसमें हमको कलर चाहिए तो ये हम कलर शेड भी डाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्टेप्स देखते हैं, तो स्टेप्स भी हमने क्या किया, एंटीस्किड किया है। पूल बनने में करीब करीब 4-5 दिन लगते हैं एक पूल को बनने में। इसमें कुछ मशीन का काम होता है, कुछ हैंड हेल्ड काम होता है। अब जब आपका ढांचा बन जाता है तो ये एक जगह है जहाँ पे हम लोग इसकी फिटिंग करते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं स्विच वगैरह लगे हैं, ये आपके एयर जेट्स और जकूजी जेट्स हो गई, आपके एयर बबलर्स हो गए। नीचे में हम फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाते हैं पूरा का पूरा इसके अंदर में। ये आपका एयर बबलर हो गया, ये इसकी लाइनें जा रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्विम स्पा। तो ये एक तरह से हॉट टब या स्पा की तरह काम आता है। अगर इसमें आपको छोटा पूल चाहिए जो कि आपके बालकनी में रख सकते हैं, छतों पे रख सकते हैं, इसके अंदर में भी हम जकूजी वगैरह लगा सकते हैं। और ये भी एक बार का भरा हुआ पानी पूरे साल चलता है। अच्छा भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये इसके ड्रेन लग रही है और इसके अंदर जो जकूजी जेट्स वगैरह लगते हैं इसी तरीके से फाइबर में होल हो जाते हैं। तो कोई भी फाइबर है अगर टूट भी जाता है तो हम उसको इमिडिएटली उसका रिपेयरेबल होता है और उसके अंदर कोई भी जेट वगैरह लग सकते हैं। तो जैसे हमने ये इधर आप देखिए जकूजी के जेट्स लगाए हैं, तो ये 6 जेट हैं एग्जस्ट में लगते हैं। उसके बाद में ये बाहर में इसकी कोटिंग कर रहे हैं जिससे कि ये वाटर लीकेज और सीपेज प्रूफ हो जाए जी। अभी इसके अंदर आप देख रहे होंगे ग्लास मुझे जैसे दिखता है, जैसे टाइल लगी है, लेकिन ये टाइल वाइल नहीं है, ये हमारी इंटरनल डिजाइनिंग है। तो पूरा पूल सिंगल पीस है, बिना जॉइंट के है। तो आप देखिए कि पूरा स्मूथ लेवल है ये पूरा का पूरा। ये हमारा फैमिली पूल है, ये करीब 21 फुट बाई 11 फुट का है। ये वाला जो साइड में देखा आपने 15 फुट बाई 10 फुट के 4 फुट गहरा है, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो स्पा। तो ये भी स्पा है बट इसके अंदर पानी ऊपर से ओवरफ्लो होता रहता है, ये जकूजी एयर जेट वगैरह सब लगते हैं और फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आता है। अगर आपको बहुत बड़े पूल बनाने हैं तो उसके हम पैनल जोड़ के बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड लाइनर पूल। इस तरह के पैनल होते हैं, जैसे एक कॉर्नर हो गया तो यही दीवार जुड़ती 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 चली जाती है, पीछे में इसके सपोर्ट लगते हैं और अंदर में इसके लाइनिंग लग जाती है। और साथ में ये सब जो फिल्टर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे फिल्टर लग जाते हैं। तो इनका अपना कोई वजन नहीं होता, सिर्फ पानी का वजन है, तो वो भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। यही पूल जो वहाँ खड़ा था ये अभी लगा हुआ है। जैसे ये पूल लगभग लगभग 1-1.5 साल हो गया भरे हुए, ना इसमें पानी निकाला है ना हमने डाला है, कंटिन्यूसली रोज ही चलता है। नॉर्मली तो हम इसमें फिल्टर जो लगाते हैं हिडन लगता है, लेकिन यहाँ पे हमने एक पाइपलेस फिल्टर भी दिखाया सो दैट कि आपको पता लगे कि किसी भी तरह के पूल को ये फिल्टर साफ कर सकता है, चाहे वो फाइबर का हो, चाहे वो लाइनर हो, या फिर वो कंक्रीट का पूल हो। इसको हम बोलते हैं रूफ टॉप पूल। इसके अंदर आप देखेंगे जॉइंट्स लगे हुए हैं, बाहर की तरफ से अगर दीवार देखें तो एक पीसेज लगे हुए हैं जो पीसों को जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। और अंदर में हमने इसके पूल लाइनर लगाया पूरा का पूरा, और ये ग्लास मोज़ेक का लुक दे रहा है। तो अंदर में इसमें स्टेप भी बनाई है जो कि कंक्रीट की बनी हुई है, ठीक है। तो कंक्रीट के पूल भी अगर कोई लीक होता है उसके अंदर लाइनर लगा के फिल्टर लगा सकते हैं, नया बनाना नया बना सकते हैं जी। इसके अंदर में फिल्ट्रेशन सिस्टम लग रहा है, यहाँ पे स्कीमर से पानी आता है और फ्रेश होकर अंदर चला जाता है। इसके अंदर ये पूल कवर भी आता है और ये सनलाइट से भी कवर करता होगा इसको। सनलाइट से भी कवर करता है, मिट्टी भी इसमें कम आएगी। बेस्ट पार्ट ही रहता है लाइट वेट रहता है, इसमें कोई वजन नहीं आता। तो छत पे रखना बहुत आसान है, सिर्फ पानी का वजन है, पूल का हमारे का वजन नहीं है। और ये बिल्कुल सील प्रूफ और लीक प्रूफ है।